इस वीडियो में देखेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप का फॉर्म आया है जो सभी छात्रों के लिए, कैटेगरी जो है ओबीसी एससी एसटी के छात्र हैं उन्हीं के लिए। इसमें आपका हो जाएगा मैंडेटरी, आप बिहार के होने चाहिए, स्टेट आपका बिहार होना चाहिए, और यूपी के हैं तो उसके लिए नहीं है, आपका बिहार का निवास होना चाहिए, और ये कास्ट होना चाहिए ओबीसी एसटी और बस ओबीसी एससी और एसटी। और लास्ट डेट है 13 मार्च 2020 तक आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद और अप्लाई करते हैं तो उसके मान्यता नहीं होगा और नहीं अप्लाई हो पाएगा। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? पहला आधार कार्ड लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट, आईटीआई का मार्कशीट या एडमिट कार्ड, या एडमिट कार्ड नहीं भी है तो आईटीआई का रिसिप्ट जरूरी है। जैसे नए छात्र हैं उनके एडमिट कार्ड या आईटीआई कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है तो अपना आईटीआई का रिसिप्ट डाल लें। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आय प्रमाण पत्र होता है गार्जियन का। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर चले जाइए और बैंक का पासबुक, इतने सारे चीज़ आपको होना चाहिए। एक नेक्स्ट है, आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन होगा जो कि मोबाइल से भी कर सकते हैं या साइबर कैप से है। आवेदन मोबाइल से भी होगा, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसका ऑनलाइन करने के लिए साइट है जो है NSP 2.0, और लाइन लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन में आप जाके ऑनलाइन का लिंक देख सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद ये निम्न को अपने इंस्टीट्यूट में जमा करें, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सभी के, ध्यान रखें दो प्रति बनाइएगा, जिसमें एक कॉपी आप इंस्टीट्यूट में जमा कीजिएगा और एक प्रति अपने पास रखिएगा आय के लिए। ये अंतिम डेट 13 मार्च 2020, ये इसके पहले ही अपना कर लें, और ये 13 मार्च के पहले आके इंस्टीट्यूट में अपना डॉक्यूमेंट जमा कर लें। और इस वीडियो के पूरा सभी बच्चों को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे 13 मार्च तक अपना भर लें। ये आईटीआई के लिए नहीं है कि बीए बीएससी ग्रेजुएशन इंटर कोई भी छात्र कर रहा है उसके लिए है, सभी के लिए जो कि बिहार का होना चाहिए। आईटीआई ने डिप्लोमा बीटेक कोई भी है वो बिहार का है तो अपना फॉर्म भर सकता है। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी होना चाहिए। ये वेबसाइट है, यहीं पर हम जाना है, और NSP 2.0 डालेंगे तो ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आ जाएगा। यहाँ से हम जाएंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे और ये है आपका मिल जाएगा। और न्यू रजिस्ट्रेशन और नया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके हम यहाँ से आए कर लेंगे, और ये सारे चीज़ करके न्यू यूज़र करके आगे बढ़ सकते हैं। भर टोटल पढ़ के आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और ये तो आप साइबर कैफ में जाके भरवा सकते हैं आसानी से, कोई गलती नहीं होगा इसके लिए। मोबाइल से करेंगे कुछ गलती हो सकता है, इसलिए अपने नज़दीकी साइबर कैफ में जाके भरवा सकते हैं।